देखो अभी पार्लियामेंट इलेक्शन शुरू नहीं हुआ था, आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखेंगे, मैंने यहां श्रीनगर के ऑफिस में भी दी थी, जम्मू में भी दी थी, प्रेस से बात की थी, मैंने कहा था कि इंडिया अलायंस 6 की 6 सीटें जीतेंगी, और जो जब रिजल्ट निकलेगा जून में निकलेगा, 2 जून की 4 जून को निकलेगा, उस वक्त आप दोबारा कैमरा लेके आ जाइएगा और हमें मुबारक दे दीजिएगा कि जम्मू की 2 सीटें भी इंडिया अलायंस ने जीती, कांग्रेस ने जीती, कश्मीर की जो 3 है वो भी इंशाल्लाह, क्योंकि यहां पर हम एनसी को सपोर्ट करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी, और लद्दाख की 1 हम जीतेंगे, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मैंने लोगों का पढ़ लिया था सिस्टम, लोग बहुत परेशान है, स्मार्ट मीटरों से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम यहां पे सस्पेंड कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, उससे लोग परेशान है, हर चीज से परेशान है, लोग अंदर से बहुत दुखी है, मुलाजिम दुखी है, पढ़े लिखे नौजवान दुखी है, हमारी बहनें जो पढ़ी लिखी है, जिन्होंने MA BEd किया है, 2012 में टीचर कोर्स में किए, आज तब से 12 साल हो गए, अगर किसी 30 साल की उम्र में किसी ने उस वक्त MA किया हो, BEd किया हो, आज वो 42 साल की लड़की होगी, ओवरेज होगी, उसका उसका जो वो डिग्री है वो डस्टबिन में चली गई, और यहां पे जो ये ABCD पार्टियां बोल रही है ना, जो कल इन्होंने वहां पे भी लिखा है ABCD पार्टी और BJP ने कि अनंतनाग का इलेक्शन जो है डेफर करो, उसमें आपने देखा पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का साइन है, अल्ताफ बुखारी साहब की अपनी पार्टी का साइन है, गुलाम नबी आजाद जो अपने आप को बड़ा साफ सुथरा बोलता है, उसका जो एडवोकेट सलीम पड़े साहब कैंडिडेट है अनंतनाग से, उसका साइन है, ये सारी बीजेपी के ABCD टीमें हैं, इन्होंने दरखास्त दी है कि वहां पर डेफर किया जाए, तो मैं उसके लिए भी बोल रहा हूं कि क्यों आप डेफर करना चाहते हो, क्या चिनाब वैली में मड़वा दक्षिण में गाड़ी जाती थी, आपने वो रोजू में इलेक्शन करवाया, इतनी परेशानी लाई, एक तो रोजा था, दूसरा कंपेन करना पड़ता था हमको, तो ये सारी चीजें जो है सारी मैनेज हो रही है, लेकिन मैं आपको क्लियर बताऊंगा, ये जो ABCD टीमें है ना, बीजेपी यहां नहीं ना लड़ रही है, कश्मीर के लोग इन पे गुस्सा निकालेंगे, ऐसा निकालेंगे ना कि ये इलेक्शन लड़ने के लायक नहीं रहेंगे, ये मैं आपको वो सूख से कहता हूं। और कुछ वहां पे इनको देखो, जो बीजेपी की टीमें हैं उनको दूर से ही अपनी हार नजर आ गई है, वो अब कोई नई स्ट्रेटजी और पॉलिसी बना रहे हैं, लेकिन पॉलिसियां क्या करेंगी, अभी जम्मू में देखो बीजेपी ने मुस्लिम एरिया काट के कश्मीर में डाला, जम्मू को फुली हिंदू डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई, 85% से 90% हिंदू डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी, लेकिन फिर भी हार गए, जब लोग खिलाफ होते हैं फिर कोई नहीं बचाता है, ये कितना भी करे, डेफर करे, कुछ करे, इनकी हार 6 की 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में तय है, ये मैं वसूख से कहता हूं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सर आपको लगता है नोमैडिक माइग्रेशन जो हो रही है वहां से अभी के टाइम पे होती, वो भी एक रीजन हो सकता है? देखो वो इलेक्शन कमीशन को सोचना था, कब है कब नहीं है, ये चीजें हमें सोचनी पड़ती है पहले ही, अब आप एप्लीकेशन दोगे बहाना बना के, ऐसा कुछ नहीं होता है, नोमेड्स आए वो वोट डालते हैं, वहां भी डालते हैं यहां भी डालते हैं, जहां उनका वोट होगा वहां डालेंगे। श्रीनगर में आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर ओला की केडर बंद को लेकर इंतजार शुरू करा हुआ है, उसको आप कैसे देखते? अगर ओला साहब 3 बार असेंबली लड़े हैं, 3 बार जीते हैं, हाउस में मेरे साथ रहे हैं, मेरे साथी रहे हैं, मिनिस्ट्री में मेरे साथ रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ है, ये इशू बनाने वाली बात है, अभी तो इलेक्शन लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह जीत भी जाएंगे।